तो देखिए दोस्तों, हम लोग अभी बर्फ खा रहे हैं और ये पवन जी है, भैया अनिल जी है, बता दो अनिल जी है, अनिल जी हाँ मेरा। तो देखिए हम लोग लेमन जूस पी रहे हैं इनको। अभी हम लोग गिरिडीह जिला में है और झाटी गांव पड़ता है, तो हम लोग वहीं पे आए हैं मेला में। अभी मेला बताइए भैया, मेला कब से लग रहा है यहाँ से? ये मेला जो आप लोग देख रहे हैं, ये मेला करीब 100 साल से एबव हो गया है। इसका मतलब अनुमान सिर्फ लगाया जा सकता है, यानी कि ये सतयुग जमाने से ही मेला का जो प्रचलन था हमारे पूर्वज गोसाल सिंह के द्वारा कहीं से, यानी कि बुढ़ेश्वरी माता को लाकर के स्थापित किए थे, और मंदिर का जो निर्माण था वो हमारे यानी कि पूर्वज विदेशी सिंह के द्वारा किया गया है। और पूरा रीति रिवाज के साथ हम लोग अपना यहाँ पर जो पट्टा बलि का कार्यक्रम होता है, प्रथम दिन नहाए खाए होता है, इसके बाद खरना होता है, इसके बाद पट्टा बलि का दो दिन है, मेला और पट्टा बलि दोनों एक ही दिन होता है। आप लोग सुन लीजिए इस भैया से, बहुत नियम धर्म से यहाँ पे पूजा पाठ होती है और मेला का भी आयोजन होता है। जैसे कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, झारखंड बिहार और बंगाल जैसे, यानी कि एकदम 15 दिन पहले करीब करीब लोग यहाँ पर पहुँचने लगते हैं। जैसे बड़े बड़े स्टॉल्स मिठाई के लगाते हैं, जूस वाले जैसे भैया सब हैं, ये सब भी एकदम दूर दूर से आते हैं, और एकदम श्रद्धालु बहुत सारे ऐसे हैं जिसकी यानी कि जो भी इच्छा हो, जैसे संतान प्राप्ति, नौकरी और केस मुकदमे वगैरह, सभी अपने अपने आवश्यकता अनुसार यानी कि माता के एकदम दरबार में आकर के मन्नतें मांगते हैं, और पूरी हो जाने के बाद वो अपने यानी कि इच्छा शक्ति के अनुसार जो भी हो सकता है, जैसे कि एकदम कोई यानी कि पट्टा बलि करवाते हैं ला करके, या प्रसादी भी चढ़ा देते हैं, तो सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है और ऐसी कोई बात नहीं। मंदिर में है तो देखिए दोस्तों मेला का दृश्य बहुत खतरनाक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे झूले में सब भी मस्ती कर रहा है।